पर बागपत उत्तर प्रदेश से है। घने कोहरे के चलते दिल्ली सहारनपुर रोड पर हो रहे अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर एडीएम प्रीतपाल सिंह चौहान ने दिए सख्त निर्देश। वही बता दें कि एसडीएम सीओ और आरटीओ को आदेशित कर दिया गया है किसी भी सूरत में सड़कों के किनारे अतिक्रमण नहीं रहना चाहिए। अगर एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला मुख्यालय के नजदीक गौरीपुर में सड़क पर होटल संचालकों द्वारा ही अतिक्रमण किया गया, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किया गया और अतिक्रमण को हटाने के लिए भी कहा गया। प्राइम बी के न्यूज चैनल के लिए वीरेंद्र तोमर, बागपत, उत्तर प्रदेश। एडीएम साहब, कोहरा ज्यादा हो चुका है दिल्ली सहारनपुर रोड पे, अतिक्रमण ज्यादा है, जो होटलों पे भी है, मैं भी रोड के ऊपर जो है मेजर कुर्सी लगा के खाना खाओ। हाँ, इस संबंध में हम लोगों द्वारा पूर्व में भी एक बैठक की गई है। सीओज को बुला के, एसडीएम को, एआरटीओ को, सारे लोग को बुला के एक बैठक की गई। आज भी डीएम सर की अध्यक्षता में एक सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई है और सबको निर्देश प्रसारित किए गए हैं कि रोड के किनारे कोई भी वाहन ना खड़े हों, किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, क्योंकि कोहरे के कारण एक्सीडेंट की शिकायतें बढ़ती हैं। तो हम लोग एहतियात के तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार पेट्रोलिंग भी हम लोग करा रहे हैं 100 से, तो ये प्रॉब्लम हम लोग समाधान करा लेंगे। इस समय सर गौरीपुर मोड़ पे अतिक्रमण जो है आपका आधा रोड घेरो थे और 5-6 होटल हैं उनके ऊपर जो है पब्लिक खाना खा रही थी और चारा काटने के गंडासे भी जो है गौरीपुर मोड़ पे लगे हैं सर रोड के ऊपर। आपने ये संज्ञान में लाया है और इसको हम दिखवा के तत्काल कार्रवाई करवाएंगे।